जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की अपडेट है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। बच्चे जो मोबाइल और टैब आपके मिलने वाले हैं उनको लेकर परेशान है, प्राइवेट के फॉर्म को लेकर परेशान है, उनके जो प्राइवेट के बैक फॉर्म भरे जाने हैं उसको लेकर के चिंतित है, अपने एग्जाम को लेकर के चिंतित है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन है जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं उन सभी के आंसर आपको वीडियो में मिलने वाले हैं। रिक्वेस्ट आपसे एक ही है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्रतिदिन की तरह। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो बच्चों का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो कमेंट बॉक्स में वो पूछा जा रहा है कि सर जो प्राइवेट के बैक फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे। तो साथियों आपको बता दें, जो प्राइवेट के बैक फॉर्म है, जब प्राइवेट के लिए फॉर्म आएंगे यानी कि प्राइवेट के लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे तो उसी समय पे आपके प्राइवेट के बैक के फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है। तो आपके जो प्राइवेट के फॉर्म आने वाले हैं उसके लिए बच्चे पूछ रहे हैं कि प्राइवेट के फॉर्म कब तक आएंगे। तो प्राइवेट के फॉर्म के लिए आज जो कल यूनिवर्सिटी में जो चर्चा चल रही थी, जो बातें थी, तो उसको देखते हुए जो प्राइवेट के फॉर्म है लगभग 10 से 14 फरवरी के आसपास में आपके प्राइवेट के फॉर्म आने वाले हैं, यानी कि अभी लगभग एक महीना है, नेक्स्ट मंथ में आपके प्राइवेट के फॉर्म आएंगे। इसके बाद में बात करें जो बच्चे एग्जाम को लेकर के चिंतित हैं, जो हमारे एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑड सेमेस्टर के, पहले उसकी डेट थी 10 तारीख, 10 जनवरी तक लास्ट डेट थी, लेकिन उसको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 17 तारीख। आप 17 तारीख तक ऑड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। अब बच्चे चिंतित हैं उसके एग्जाम कब होंगे। तो साथियों जो एग्जाम है, एग्जाम के लिए हो सकता है डेट शीट बहुत जल्द जारी कर दी जाए आपकी, तो जो आपके एग्जाम है वो आपके 20 से 25 यानी कि 25 तारीख के आसपास से आपके एग्जाम स्टार्ट कराए जाएंगे। आप बिल्कुल भी इस चीज में मत रहिएगा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो आप इस चीज को मत सोचिएगा, आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा क्योंकि एग्जाम है, हो सकता है एग्जाम कराए ही जाएंगे। जैसे कि आपको बताया कि यूपी टेट के जो आपका एग्जाम होना है, यूपी टेट का एग्जाम जो कैंसिल हो गया था वो उसकी डेट भी आपकी आ चुकी है, 23 जनवरी को एग्जाम होना है, और उसके जो सेंटर की लिस्ट है वो भी आ चुकी है। जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे तो उसके सेंटर की लिस्ट है वो भी आ चुकी है, और जो एडमिट कार्ड है वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। इसी तरीके से जो सीटेट के एग्जाम कैंसिल हुए थे, दो एग्जाम कैंसिल हुए थे, उनकी भी डेट आ चुकी है 17 और 21 तारीख में, वो भी एग्जाम कराए जाने हैं। तो अधिक जानकारी के लिए जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि एक एक चीज एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है वो मेरे फेसबुक पेज पर आपको जितनी भी आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, जितनी भी अपडेट होती है, जैसे आपका एग्जाम सेंटर की बात करें यूपी टेट के, या फिर हम बात करें जो आपका सीबीएसई बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया है सीटेट के एग्जाम के लिए, तो वो सब मेरे फेसबुक पेज पर मिलता है। तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि आपको एजुकेशनल अपडेट मिलती रहे। अब इससे आगे बात करते हैं, बच्चे जो जिनके एग्जाम होने हैं बीए बीएससी बीकॉम, उसको लेकर के चिंतित हैं कि हमारे बीए बीएससी के बीकॉम के जो एग्जाम होंगे वो कब तक होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे जो हैं। तो साथियों अभी आपके जो फॉर्म है वही नहीं भरे जा रहे हैं, आपके जो एग्जाम है वो मान के चलेगा मार्च के आसपास में, यानी कि मार्च के बाद में ही आपके एग्जाम कराए जाएंगे, मार्च मिड मार्च में या मार्च स्टार्टिंग में, लेकिन मार्च से पहले आपके एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के होने हैं जो एनुअली मोड में होंगे रेगुलर वाले बच्चे। इससे आगे बात करें जो सेमेस्टर मोड वाले बच्चे हैं उनको मैंने बताई दिया है, उनके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं सेमेस्टर मोड वाले, उनके एग्जाम 20 से 25 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी कि जो मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया था ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो इसमें जो चांसेस है वो आपके ऑफलाइन एग्जाम के ही है क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑफलाइन एग्जाम कराया गया था। जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बच्चे सबसे ज्यादा जो चिंतित हैं वो चिंतित हैं कि मोबाइल और टैब हमें कब से मिलेगा, और हमारे पास जो मैसेज आया है उसका क्या मतलब है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों बिल्कुल क्लियर है, अभी मोबाइल और टैब कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी कि जो आपका चुनाव आयोग है उसने उसकी तरफ से आचार संहिता जो लगी हुई है उस कारण से अब इसको कैंसिल कर दिया गया है, यानी कैंसिल कर नहीं पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक कोई स्मार्टफोन या टैब अब वितरित नहीं किए जाएंगे क्योंकि इसको जो आपका आचार संहिता है उसके विरुद्ध माना जाता है। तो आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ये जो फालतू की चीज है चुनावी जो झमेले हैं इसमें मत पड़िएगा कि भाई आपका लैपटॉप टैब कब मिलेगा, मोबाइल कब मिलेगा। तो अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है, और चुनाव के बाद मिलना है या नहीं मिलना वो आपको पता है। तो साथियों अभी आपका मोबाइल और टैब किसी के पास मैसेज आया है या नहीं आया है कोई मतलब नहीं है, अभी कोई भी आपको नहीं मिलने वाला है मोबाइल या टैब क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो आचार संहिता लगी हुई है ये सब उसके विरुद्ध है। बिल्कुल क्लियर है, आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पढ़ाई है सब कुछ है, ये कितने दिन की चीजें हैं इन चीजों पे आप मत जाइए, अपनी स्टडी पे
फोकस कीजिए, आप अपने जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाइए, आप अपने क्षमता को आगे दिखाइए, तो जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। ये छोटी छोटी चीजों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।